चोक के बारे में ऐसा सोच नहीं सकती कि ये कभी ख़त्म होगा हमें, तो इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए मैं थोड़ा सा समय लूँगी। वो एक कॉन्शियस एफर्ट है और एक डिसीजन है कि मैं रियलिटी शोज नहीं करूँगी। देखिए, वेब सीरीज़ एक अलग दुनिया है और टेलीविजन एक अलग दुनिया है, और आपने भी देखा है कि दोनों फॉर्मेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेब एक अलग फ्लेवर लेके आया है, कुछ नया, और हमेशा ऐसा रहा है कि जब भी कुछ नया आया है आप उसकी तरफ ज़्यादा उसकी तरफ झुकाव हो जाता है। तो रोज़ का उठ के रेडी होके आना जो रूटीन है वो मैं थोड़े दिन मिस करूँगी ज़रूर। सैड है कि हर शो ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, तो बस ये भी बंद हो रहा है। हर आर्टिस्ट की लाइफ की स्टोरी है कि एक एक शो बंद होता है तो वो दूसरे की ताक में रहता है। हाय, मैं हूँ गीतांजलि और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पे। स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। दिस शो एंड हो रहा है, अब फाइनली शूट सेट पर आना, कितना मिस करेंगे इस सेट को मैम? मैं बहुत मिस करूँगी क्योंकि एक आपकी पैरेलल दुनिया बन जाती है, एक सेकेंड फैमिली बन जाती है, और आप हर रोज उन्हीं लोगों के साथ कुछ रिश्ते जी रहे हो, और ये जो दोस्तियाँ मैंने यहाँ बनाई हैं ये मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगी। तो रोज़ का उठ के रेडी होके आना जो रूटीन है वो मैं थोड़े दिन मिस करूँगी ज़रूर। कि पहले सविता अलग थी, माँ लक्ष्मी के आने के बाद अलग हो गई, वो धीरे धीरे बदलने लगी, तो आप बदली हुई सविता से निजी ज़िंदगी में क्या तीन चीज़ें लेकर जा रही हैं शो से? बदली हुई सविता से मैं ये लेके जाऊँगी कि हालात कुछ भी हो हार नहीं माननी है, क्योंकि कभी ना कभी तो सब ठीक हो ही जाता है, और हमेशा जैसे सोचते हो वैसे आपकी लाइफ होती है। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होती जाएगी, हमेशा पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, खुशी खुश रहने से और खुशियाँ मिलती हैं। बात अगर शो के एंड की कर ले तो हर वो कहते हैं ना कि भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोलता है जी, क्या नया आने वाला है कुछ नया? हर आर्टिस्ट की लाइफ की स्टोरी है कि एक एक शो बंद होता है तो वो दूसरे की ताक में रहता है। फिलहाल तो क्योंकि ये शो बहुत डिमांडिंग था, बहुत ही एग्जॉस्टिंग रहा है सबके लिए, बट उतना ही रिवॉर्डिंग भी रहा है, तो इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए मैं थोड़ा सा समय लूँगी और थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और आराम से सोचूंगी आगे क्या करना है, बट करूँगी तो एक्टिंग ही। जैसा आपने कहा कि ये शो डिमांडिंग था, मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि ये शो नॉर्मल सास बहू ड्रामा से अलग था, बहुत अलग था, और ये एक एक्सपेरिमेंट मेरे प्रोड्यूसर्स ने, राइटर्स ने, हमारे डायरेक्टर्स ने करनी चाहिए, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल थी, क्योंकि ऐसा शो कभी बना नहीं है। और सैड है कि हर शो ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, तो बस ये भी बंद हो रहा है। इस शो में ना लुक को लेकर ज़्यादा आपके साथ छेड़छाड़ी नहीं की गई थी, बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा लुक रखा गया था जी, क्योंकि हम चाहते थे कि सविता एक गृहिणी है जो बाकी की गृहिणियों की तरह लगे दिखे, और जो नॉर्मल लोग हैं उसके साथ आइडेंटिफाई करे। सविता आपकी कहानी है, सविता आप में से ही एक है, तो उसके लिए उसको आप जैसा ही रखा था, सिंपल एंड स्वीट। जिस दिन आप तक ये खबर आई कि अभी शो को ऑफ एयर जाना है, वो पहला फीलिंग क्या था? मुझे लगा कि ये र्यूमर है, मुझे सचमुच लगा कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कभी आपके शो के बारे में ऐसा सोच नहीं सकती कि ये कभी ख़त्म होगा। हमेशा एक आर्टिस्ट को लगता है कि ये चलता ही रहेगा, ये एक बहुत ही ड्रीमी विचार है, बहुत इम्प्रैक्टिकल विचार है, लेकिन हर आर्टिस्ट को लगता है कि मेरा शो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये न्यूज़ जब मेरे तक आई तो पहले तो आई वॉज इन डिनायल, मुझे लगा नहीं ये नहीं हो सकता, बट धीरे धीरे अभी जैसे जैसे स्क्रीन प्लेज आ रहे हैं, आखिरी दिन कल आ रहा है। टीवी सीरियल्स का अब स्कोप बढ़ते जा रहा है, वेब सीरीज का जमाना आ रहा है, तो क्या आर यू एस्पायरिंग टू बी अ पार्ट ऑफ एनी वेब सीरीज? देखिए, वेब सीरीज एक अलग दुनिया है और टेलीविजन एक अलग दुनिया है, और आपने भी देखा है कि दोनों फॉर्मेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज भी टीवी की एक लॉयल ऑडियंस है जो टेलीविजन शोज देखना चाहती है, और वेब एक अलग फ्लेवर लेके आया है, कुछ नया, और हमेशा ऐसा रहा है कि जब भी कुछ नया आया है आप उसकी तरफ ज़्यादा उसकी तरफ झुकाव हो जाता है। तो अभी दोनों दुनिया एक साथ चल रही है पैरेलली, तो आई डोंट माइंड डूइंग अ वेब शो, बट देखते हैं। और कोई रियलिटी शो अगर आपको मौका नहीं मिला? मैं रियलिटी शोज नहीं करती, वो एक कॉन्शियस एफर्ट है और एक डिसीजन है कि मैं रियलिटी शोज नहीं करूँगी, ना डांस शो, ना बिग बॉस, ना कुछ ना कुछ, मैं खुश हूँ। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.